सो एज वी ऑल नो लॉकडाउन 4.0 चल रहा है और लॉकडाउन 4.0 के साथ हमारी तैयारी की भी रफ्तार कम होती जा रही है। रफ्तार कम तो नहीं कह सकते, कह सकते हैं कि रफ्तार में कुछ कहीं बढ़त है कहीं कमजोरी है, कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही। देयर इज नो कंसिस्टेंसी इन आवर प्रिपरेशन। हम जब अपने आसपास के लोगों को देखते हैं जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, उस स्थिति में हमें ऐसा लगता है कि वो कोई मूवी देख रहे हैं या फिर कोई वेब सीरीज देख रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए इन दिनों लॉकडाउन की वजह से। तो इस वजह से हमें भी कभी कभी लगता है क्यों ना हम भी कोई मूवी देख लें, क्यों ना हम भी एक आध वेब सीरीज का एक आध एपिसोड कंप्लीट कर लें। इसी सोच को मतलब एक तरीके से देखा जाए तो इस सोच को मध्य रखते हुए ये वीडियो मैं आपके सबके पास ला रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, घर पर होंगे, सेफ होंगे, अपने हाथों को दिन में 10 बार धो रहे होंगे, सैनिटाइज कर रहे होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को। सबसे पहले कि मैं यह चाहता हूं कि हम लॉकडाउन के समय में मूवीज देखें, उसमें कोई बुराई नहीं, पर हम मूवीज ऐसी देखें जो हमें हमारी प्रिपरेशन में हेल्प करें। जैसे कि अगर हम किसी भी जिन भी मूवीज की हम आज बात करने वाले हैं उन सारी मूवीज के साथ ये इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि वो हमें प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे, हमारे एग्जाम में, हमारे नंबर बढ़ाने में, हमारे प्रीलिम्स में, हमारे मेंस में या फिर हमारी ऐसे राइटिंग में कहीं ना कहीं हमारे नंबर बढ़ाने में हमारी मदद करने वाले। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स 2021 में अपीयर होने वाले हैं प्रीलिम्स के लिए, उनके पास मैं समझता हूँ कि टाइम है, साथ ही साथ एक होलिस्टिक एनालिसिस या फिर होलिस्टिक स्टडी करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय है। तो हम चालू करते हैं अपने वीडियो के साथ। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हमारी पहली पिक्चर के बारे में, जो है गांधी। देखिए, गांधी के बारे में हम सब बहुत पढ़ते हैं, बहुत सब जानते हैं, पर एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या सवाल आ सकते हैं, किस तरीके से हमें उनके जवाब देने हैं, वो सारी चीज़ें थोड़ा सा कठिन हो जाती हैं। और वो कठिन तो हैं, साथ ही साथ वो ट्रिकी भी हैं, क्योंकि आपको गांधी के बारे में ईयर बाय ईयर याद होना चाहिए कि इस साल क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ। जिस तरीके से हम पढ़ते हैं, चंपारण हुआ, फिर अहमदाबाद हुआ, फिर खेड़ा हुआ, अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि कौन सा पहले हुआ, चंपारण पहले हुआ, अहमदाबाद पहले हुआ या खेड़ा पहले हुआ, आपको क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए। अब आपको क्रोनोलॉजी याद होने के लिए आपको साल याद होना चाहिए। साल याद कैसे होंगे? साल याद होंगे जब आप पिक्चराइज करेंगे उस चीज़ को। जिस तरीके से आप एक मूवी देखते हैं तो आप देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं और साथ ही साथ आप सुन रहे हैं, आपने तीनों सेंसेस का यूज़ किया तो एक बेटर पिक्चर फॉर्मेशन में आपको मदद मिलती है। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा, सबसे पहले जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स है या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि गांधी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एट प्रेजेंट। अगर आप देखें तो गांधी जी की 150वीं जयंती, 150th एनिवर्सरी भी है, तो ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ प्रवासी भारतीय दिवस और भी बहुत सारी चीजें जो गांधी जी के इर्द गिर्द चलती रहती है, हमारे फादर ऑफ नेशन है, तो आप समझ सकते हैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं। पर मैं ये मानता हूं कि आप जब ये मूवी देखें तो कोशिश करें कि इसके थोड़े से नोट्स बना लें। जैसे आपको पता है किस तरीके से सारी चीजें सिलसिलेवार तरीके से हुई, इन्हें जीवन अपना साउथ अफ्रीका में कैसे जीवन काटा है, या फिर गांधी जी जब 1915 में आए, जनवरी 1915 जिसको हम प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से मनाते हैं, उसके बाद चंपारण, माफ करिए चंपारण की थोड़ी सी स्पेलिंग गलत होगी, ये पी है यहाँ पर, तो चंपारण, फिर उसके बाद अहमदाबाद हुआ, फिर खेड़ा हुआ, किस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से ये चीजें चली। फिर उन्हें जो सत्याग्रह गांधी जी का ये माना जाता है कि सबसे ज्यादा बड़ा हथियार जो सत्याग्रह गांधी जी का है, वो ने कब चालू किया उस चीज को अपनी प्रैक्टिस में लाना। साथ ही साथ फिर जलियांवाला बाग के दौरान क्या हुआ, जिस तरीके से हमें मालूम है जलियांवाला बाग के दौरान उनका जो केसर हिंद का जो एक तरीके से कहेंगे एक मेडल था या फिर एक जो रिकॉग्निशन था वो उन्हें वापस कर दिया। फिर उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट या फिर पार्टीशन के समय वो क्या कर रहे थे, और बहुत सारी चीज़ें जो भी गांधी जी के जीवन से संबंधित हैं वो सारी चीज़ें आपको इस मूवी में देखने तो मिल जाएंगी। साथ ही साथ आपको याद करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। उसके बाद अगर स्पेक्ट्रम से या फिर आप किसी भी विपिन चंद्रा से या किसी भी हिस्ट्री की बुक से आप गांधी के बारे में पढ़ते हैं तो बड़ी आसानी से आप गांधी के से संबंधित प्रिलिम्स के सवालों का जवाब दे पाएंगे। दूसरी पिक्चर की हम बात करते हैं तो दूसरी पिक्चर है बाबा साहेब अम्बेडकर की। अब आप हम सब जानते हैं कि अम्बेडकर कितने इंपॉर्टेंट फिगर रहे हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में और भी सारी तमाम चीज़ों में। ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल जैसे कि आप ये जानते हैं कि महादेजिटेशन हुआ था तो वो क्यों हुआ था, ये आपको पढ़ना ज़रूरी है। पूना पैक्ट हुआ तो पूना पैक्ट में क्या सिचुएशन थी, सीट्स कितनी कर दी गई, डबल कर दी गई, या फिर इस तरीके के सवाल आ सकते हैं कि वर द सीट्स इन पूना पैक्ट डबल्ड फॉर द दलित्स और फॉर द रिजर्व क्लासेस।
और बहुत से संबंधित जैसे क्रोनोलॉजी से भी सवाल आ सकते हैं। सपोज आ जाए कि आपको क्रोनोलॉजी में कुछ इवेंट्स को, जैसे साइमन कमीशन हो गया, फिर उसके बाद आपका पूना पैक्ट हो गया, इन सारी चीजों को आपको क्रोनोलॉजी में इंक्रीजिंग ऑर्डर में कि ये इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इस तरीके से आपको आ सकता है कि आप इसको अरेंज करिए। तो उस जगह डेट्स का बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। साथ ही साथ अम्बेडकर का जो रोल है, बाबा साहब अम्बेडकर का जो रोल, ओवरऑल रोल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में, या जो इंडियन सिस्टम जो आज प्रिवेल कर रहा है उसके लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये जो सब्जेक्ट है ये आपको हेल्प करेगा पॉलिटी समझने में, क्योंकि पॉलिटी में भी कहीं ना कहीं एक आइडिया या फिर एक आइडियोलॉजी अम्बेडकर की झलकती है। ठीक है, अब आगे बात करें हम वीर सावरकर की। तो आप समझते हैं ये आज के समय से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। क्यों? क्योंकि आज हिंदुत्व, जो हम हिंदुत्व की फिलॉसफी की बात करते हैं, हिंदुत्व की फिलॉसफी के बारे में सब बात कर रहे हैं क्या आखिर हिंदुत्व क्या है, क्या पोजीशंस रही हिंदुत्व में। साथ ही साथ अभी बीच में कंट्रोवर्सीज भी जनरेट हो रही थी वीर सावरकर को लेके महाराष्ट्र में। आगे हम देखें तो एक बार एक सवाल भी आ चुका है, इन्होंने जो जो इंस्टीट्यूशंस बनाई, जैसे एक मित्र मिला करके एक इंस्टीट्यूशन बनाई इन्होंने, फिर उसके बाद यंग इंडिया करके, या फिर जो भी किताबें इन्होंने इन्होंने लिखी, वो सारी चीजें हमें इंपॉर्टेंट है जानना, और उसके लिए हमें ये मूवी देखनी चाहिए। लॉकडाउन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लॉकडाउन का सही सदुपयोग करें। हमारे नेचुरल है, हम इंसान हैं, हम सबके टेम्पटेशंस होते हैं। जब हम किसी और को देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं या फिर कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे किसी भी चीज को देखते हुए, तो हमें भी लगता है कि हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए। तो क्यों ना कुछ ऐसा करें जिससे कि हमारी नॉलेज में भी बढ़ोतरी हो, साथ ही साथ सवाल सही करने की जो एक तरीका है, जो पढ़ने का तरीका है, उसको भी हम अपना पाए। तो ये सोच के आगे हम बढ़ते हैं। सरदार, अब आप ये जानते हैं कि सबसे पहले जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बना वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल पे बना है, सरदार सरोवर डैम के पास। उसके बाद जो यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया है, जिस तरीके से प्रिंसली स्टेट्स, जो तमाम प्रिंसली स्टेट्स थी, 500 से ज्यादा जो रियासतें थी, उसको किस तरीके से उन्होंने यूनिफाई करके आज पूरा एक यूनाइटेड इंडिया बना दिया। तो इंडिया के फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। उसमें हम इंपॉर्टेंट केसेस, जैसे आप देखें तो इंपॉर्टेंट केसेस में आपका जम्मू कश्मीर सबसे पॉपुलर केस है, जम्मू कश्मीर का। तो जम्मू कश्मीर का केस J&K, फिर दूसरा केस जो आता है आपका वो आता है जूनागढ़ का। जूनागढ़ के बारे में भी आपने सुना होगा, उसको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद दो तीन और केस आते हैं, जैसे तंजावुर का भी एक केस है। तंजावुर के केस के बाद एक और केस जो आपका पढ़ेंगे आप, वो है तंजावुर के बाद हैदराबाद का। हैदराबाद में भी किस तरीके से मिशन पोलो हुआ था और वो सारी जो तमाम चीजें हैं उसके बारे में आप हैदराबाद के बारे में पढ़ सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे जाके हमारे पास एक और मूवी है आनंदी गोपालन। इसके बारे में आपने बहुत कम सुना होगा। इस मूवी की खासियत यह है कि इस मूवी में कहीं ना कहीं बात की गई है वुमेन एम्पावरमेंट की, क्योंकि फर्स्ट डॉक्टर थी, फर्स्ट MBBS कह सकते हैं आप भारत की। प्रैक्टिसिंग तो नहीं कहेंगे क्योंकि इनको TB हो गया था, उसके बाद जैसे ही इनको डिग्री मिली डॉक्टरी की उसके बाद इनका देहांत हो गया था 21 साल की उम्र में। तो ये प्रैक्टिसिंग डॉक्टर तो नहीं, लेकिन फर्स्ट डॉक्टर आप कह सकते हैं। आनंदी गोपालन जो थी वो फर्स्ट डॉक्टर थे। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? आप ऐसे इसमें ऐसे अगर आते हैं, ऐसे जैसे आप समझते हैं वुमेन एम्पावरमेंट पे ऐसे आता है, या फिर किसी भी ऐसे संबंधित टॉपिक से ऐसे आता है जिसमें कहीं ना कहीं आप ये चीज कोट कर पाए, तो इसलिए आपकी जानकारी में होना ये बहुत जरूरी है। आनंदी गोपालन की ये मूवी है, ये मराठी में है, लेकिन सबटाइटल्स है हमारे पास, तो हम आराम से सबटाइटल्स के द्वारा ये पूरी पिक्चर का जो प्लॉट है तो सबटाइटल से हम वो चीज समझ सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे है हमारे पास लोकमान्य तिलक। अब ये इनके बारे में ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता, UPSC के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर रहे हैं। जिस तरीके से एक्सट्रीमिज्म है, या फिर गणेश उत्सव मनाने का जो सिस्टम है, या शिवाजी दिवस, जिस तरीके से इन्होंने मास मोबिलाइजेशन किया था, कॉमन मैन को इन्हें पॉलिटिक्स में कैसे इन्वॉल्व करना है उस चीज के लिए काम किया था, वो सारी चीजें हमें इस मूवी में देखने मिलती हैं। साथ ही साथ इनकी आइडियोलॉजी को प्रेजेंट किया गया, उसे हमें ज्यादा मतलब इसीलिए नहीं है क्योंकि हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, हम ये नहीं पढ़ रहे हैं कि कौन सही था कौन गलत था, इन सारी चीजों से हमें कोई मतलब नहीं है। होम रूल लीग में इनका क्या पार्टिसिपेशन था, फिर साथ ही साथ एनी बेसेंट ने किस तरीके से होम रूल लीग इन सब ने बनाई, और वो सारी चीजें इस मूवी में कवर की गई। जो हमारी मूवी एक और देखी जाए वो जिन्ना है, जिसमें जिन्ना मेरे हिसाब से इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है मूवी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप एक अप्रोच जानना चाहें तो हमें कहीं ना कहीं जिन्ना का एक पॉइंट ऑफ व्यू समझने मिलता है इस मूवी से। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि हम 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना जो कि कवर किए गए थे 1928 में, ये हमें समझ में आते हैं। दूसरी चीज जैसे लाहौर में रेजोल्यूशन जो पास किया गया वो किस चीज के बारे में था, ये सारी चीजें जो कहीं ना कहीं हमें क्रोनोलॉजी में ऐड करने आ जाती हैं, या फिर कहीं ना कहीं हमें क्रोनोलॉजी मैच करने में या सवाल सही करने में काम आ जाती है। वो कैसे? अगर आप किसी भी चीज, किसी भी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को पढ़ जाए, सपोज आपसे बोला जाए कि फॉरवर्ड ब्लॉक जो था वो सुभाष चंद्र जी ने बनाया था, वो बनाया था 1939 में, लेकिन आपको याद है कि 1939 में तो सुभाष चंद्र बोस ने नहीं बनाया था,
वो कैसे पता चलेगा आपको कि वो कांग्रेस सेशन में थे या फिर कांग्रेस सेशन में उस समय विवाद हो गया था प्रेसिडेंसी के ऊपर, क्योंकि लोग चाह रहे थे कि वो प्रेसिडेंट बने, जो भी चीजें आप अगर क्रोनोलॉजी को याद करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक कब बना, या फिर कोई भी प्रोसेस, वो अगर आपको कुछ भी पढ़ना है उसके लिए आप थोड़ा उसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करें तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं हम भगत सिंह द लेजेंड, इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है, इस मूवी के बारे में आप समझ सकते हैं कि HSRA जो हमारी बनी थी, सोशलिस्ट रिपब्लिकन एक सिस्टम उनने जो बनाया, एक बॉडी बनाई, वो फिर पहले क्या था उसका नाम, पहले नाम था उसका HRA, तो HRA से HSRA कब चेंज हुई, फिर शकोटला में उन्होंने कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, इन्हें बॉम्ब ब्लास्ट क्यों किया, कब किया, किस तारीख को किया, साथ ही साथ काकोरी का जो हमारा ट्रेन लूटी गई थी काकोरी में 1925 की बात है, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल इन्वॉल्व थे और भी जो लोग इन्वॉल्व थे, तो ये सारी चीजें हमें समझ में आ जाती हैं इस मूवी को देखने से। तो आज के लिए, आज हमने लगभग मेरे हिसाब से 10 के आसपास मूवीज हमने डिस्कस की हैं, जिसमें से कुछ मूवीज ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ मूवीज ऐसी हैं जिसको जिनको आप अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, आपको अगर पसंद है, आपकी लाइकिंग है तो आप देख सकते हैं। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो अगर ये आप सारी मूवीज देखते हैं साथ ही साथ अपने सब्जेक्ट में स्टडीज भी करते जाते हैं, जैसे आप स्पेक्ट्रम से पढ़ रहे हैं, विपिन चंद्र से पढ़ रहे हैं, तो आप ये पढ़ते जाएंगे तो आपकी एक बहुत ही प्रॉपर पिक्चर बन जाएगी कि किस तरीके से हमें सब्जेक्ट को अप्रोच करना है, साथ ही साथ जो सवाल आएंगे उसको आप सॉल्व करने की या फिर सही आंसर तक पहुंचने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ा लेंगे। तो आज के लिए, आज के सेशन के लिए इतना ही, थैंक यू। पर साथ ही साथ ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, घर में रहें, ज्यादा बाहर ना निकलें, और कोशिश करें कि लॉकडाउन का अच्छे से पालन करें ताकि हम COVID-19 से लड़ सकें और इस परेशानी से, इस दुविधा से जल्दी बाहर निकल सकें। थैंक यू।